वालेकुम जी मैं हूँ आमना आप देख रहे हैं आही और आज की बड़ी ख़ास कॉन्वर्सेशन है एक बहुत ही ख़ास पर्सनालिटी के साथ जो कि अनस्टॉपेबल हैं शी इज़ गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एवरी टाइम आई मीट शी इज़ डन समथिंग न्यू और इनकी वोकेबुलरी में दो अल्फाज हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं रुकना और थकना आई एम अ कॉन्वर्ट बिकॉज पाँच छः इवन दस साल पहले मैं मेकअप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती थी नैवर यूज़ फाउंडेशन नैवर कंसीलर लिपस्टिक सवाल ही नहीं पैदा होता लेकिन फिर इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो कि बड़े ही हेजिटेशन के साथ मैंने लगाया कि अच्छा मेकअप आई एम हुक टू इट इट्स बिन आई थिंक सेवन एट ईयर्स सिंस आई बिन यूजिंग द जीरो मेकअप पैलेट एंड देर इज़ नथिंग एल्स आई वुड यूज़ फॉर अंडर आई कंसीलिंग फॉर दैट स्पॉट ऑफ फाउंडेशन फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक ब्लरिंग पेन मैंने कहा अच्छा ये कहीं कहीं मिलाजमा आ रहा है चेहरे पर बीबी भी भी लगा लो फिर उन्होंने एक पिछले साल मुझे फैंटेस्टिक रेंज ऑफ लिपस्टिक्स सो समबडी लाइक मी हुज मिनिमल मेकअप द वर्ड जीरो जस्ट कनेक्टेड एंड आई वाज लाइक आई एम नॉट समबडी लेयर्स ऑफ मेकअप और बहुत ज्यादा वो जो होता है ना फाउंडेशन पे फाउंडेशन और वॉल पेंट वो तो मैंने करना नहीं है This was perfect. And I said, yeah, this is such a fantastic product. We need to talk about it." And just like I said, when men get a new product, now we have a hair lock situation that I'm going to get a hair So, Nabila, I'm such a fan. You know, I mean, you're my friend, but I'm also—I think you're my friend for a reason. <laughs> <laughs> it's like. कितने सालों से आप इस पर काम कर रही थी कितना इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट हुई और जब तक वो परफेक्ट नहीं हो गया वो छोटे छोटे नहीं होते जिसने इलाइची के डिब्बे <laughs> उनमें से प्रोडक्ट निकलता था एंड बीला वुड की ख्याल पूरी दुनिया में अब ये अवेलेबल है mm. so, आई फील के मैंने इस फील्ड में इतना टाइम लगाया है मेरा एक्सपीरियंस लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है 40 का साल शुरू हो रहा है मुझे जो है ना मुझे प्रॉब्लम्स पता हैं आई एम अ वेरी वेरी फिनिकी क्लाइंट मुझे आप कोई ऐसी चीज बेच ही नहीं सकते तो मैं वो चीज खरीदूंगी जिसका मुझे सोल्यूशन है और मुझे शॉर्ट शॉर्ट सोल्यूशन है और दो मिनट में सोल्यूशन है yeah. मुझे अब वो वाली चीज नहीं बेच सकते कि आप आए आप छे सिटिंग कर आएं। उसी टाइम पे मुझे लगता है आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे मैं तो नहीं आती छह दफा मुझे अभी बताएं ठीक है।, पे, है किसी के पास वक्त नहीं है हाँ, सोल्यूशन तो मुझे आज देखना है बचपन हाँ। so, uh, से थे बहुत सारे लोग कहते थे पानी पिए रेस्ट करें अब ग्यारह साल की बच्ची को क्या टेंशन होगी सो देन वेन आई सुन आई आप आईसेड के ये सब झूठ बोल रहे हैं

सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ टू अ वोमन जैसे आपने कहा वर्ड जीरो बिकॉज जीरो लाइक नो मेकअप इनविजिबल लुकिंग मेकअप क्योंकि हम सबको करेक्शन की और परफेक्शन कॉम्प्लेक्शन इन्हांसमेंट कहूंगी परफेक्शन तो कोई वर्ड नहीं होता एनी मोर तो इन्हांसमेंट की जरूरत है वो हम कैसे चीट करें किस प्रोडक्ट से करें कितने जल्दी से करें कितने कन्वीनियंट से करें कि हमें रिजल्ट मिल जाए बिल्कुल सो दिस इज द थाट बिहाइंड जीरो मेकअप और उसी तरह से जैसे आपने पेन का कहा कि डिफरेंट फॉर्मुलज यू नो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स आपको जिस तरह से जीरो पसंद है बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जीरो लुकिंग मेकअप पसंद है बट दे वांट अ थिकर थेज बिल्कुल उनके लिए फाउंडेशन है, है उनके लिए yeah. आ, ये आ, करेक्टर है हमारा जो टू एंड वन करेक्टर और आ, कंसीलर है द पेन दैट वी कॉल इट्स ऑल्सो यूनिसेक्स सेक्स ऑल ऑफ मेन यूज इट टू

It's all about evolution, looking at the problems, finding solutions, looking at the people, taking Bilkul. their feedback, improving Bilkul. the product. So, because it's such a real thing, it's not, I'm not doing this, ke, oh, I need to make money, this is a good seller, let's do this. No. Yeah. I'm finding सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम एंड माई प्रॉब्लम ज्यादा सेम एज अदर वॉब्लम गर्मी भी है लाइट भी दिखे, है लाइफ uh, का पेस भी फास्ट है अच्छे लगने का शौक भी है टाइम भी नहीं है गाड़ी में तैयार भी yeah, होना है yeah. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एम्पावर करें एंड आई फील के जो ब्राउन स्किन है सब सब कॉन्टिनेंट की स्किन है वो बड़ी डिफरेंट स्किन है इट्स नॉट लाइक व्हाइट और ब्लैक हमारे यूनिक Hmm. So, पेरिस में, में वो इधर आके वो कलर ही गलत लगता है आई हेट सो मेनी थिंग्स एवरी थिंग इज डिफरेंट सो हमारे इट हैजू बी फ्रॉम दीपल फॉर दीपल एंड एसे I want, I have brown skin experience. Let me find solutions and bring it to the brown world, which is a huge majority. Absolutely. So that's what I'm working on and Zero Makeup ko almost a a decade. Hone and its success, hai, not from clients, friends, but you know, in-house, mm -hmm. all the shows that we do, all the shoots that we do, all the movie stars that we do, all the results that we see, yeah. whether it's in print or digital or TV or screen. रियल लाइफ और डे लाइफ यू नो तो उससे मुझे इतनी इंकरेजमेंट मिली आई थिंक नाउ वी गोइंग डू दिंग एंड हेयर हैज बीन माई फोटे इट्स माई मेटियर आई बीन डूंगलोस्ट फोर डेकेड्स एंड हेयर के जो प्रॉब्लम्स हैं डार्क ब्राउन हेयर थिक हेयर लॉन्ग हेयर कोर्स हेयर ह्यूमिडिटी ये भी बड़े यूनिक uh, प्रॉब्लम्स है इसके भी सोल्यूशन फ्राम द पीपल ही निकले मैं जा रही हूँ कल कराने कलर लॉक मैंने कहा पहला तो ब्लॉन्ड कलर लॉक निकला था मैंने कहा ब्लॉन्ड तो मेरे बाल नहीं है अब लेकिन ये है जो so brunette की जो ब्रोनेट वाला है ये, ये क्या करेगा मेरे अच्छा

फ्रॉम द ब्रोनेट यानी के ब्राउन टोन्स में से वो रेडिश okay. मेहंदी की जो ह्यू आती है वो bilkul, निकाल बिल्कुल इसी तरह से इसका हमारे पास ब्लॉन्ड है जो लाइटर हेयर कलर्स के लिए है जैसे सिल्वर हो गए बाल वाइट हो गए hmm. या ब्लॉन्ड हाइलाइट्स वगैरह हो गई वो भी धूप में येलो और ब्रासी लगती बड़ा, हैं। ब्रा, बुरा सा लुक आता है वो वो. सस्ती सी लगती हैं huh. तो इससे जो है वो रेड और येलो निकल जाता है तो दीज टू कलर्स विल सर्व एनी बडी एंड लीव द हेयर शाइनी न्यूट्रिशन uh, उसको uh, मिलती है और ये ऊपर से कलर भी इन्फ्यूज कर देता है तो right. so, अगर आप घर में uh, एक दफ़ा यूज करें हफ्ते में दो हफ्ते में हेयर कलर विल लुक गुड द होल पर्पस इज टू मेक श्योर के क्लाइंट्स की जो सेलों की डिपेंडेंसी है वो कम अज कम हो जाए ये बड़ी आयरनी है <laughs> और वो घर में बैठ के अपने आप को Just invest in the right products, learn how to use your own products for your own hair, what works yeah, for you. Yeah. I'm not saying just buy everything, just yeah. buy whatever works for you yeah. and maintain it at home as much as possible. Reduce salon visits. This from somebody who's right now under the process of making like a multi-story fantastic new salon that I think we're going to shift into another few months, two weeks two two, weeks. Or two weeks, okay. So, you know the hair care and the new salon <laughs> yeah. happening together and I'm really freaking out.

And when you need us, we are there. Why will Mapni business? So ni karungi, we are still hair specialists, we we'll yeah. still do the best haircut, we'll still do the best transformation, the best colours, everything. Like up. between salon visits, yeah. why can't I make your life easier? And you look better. And you look better. How many times would you recommend women wash their hair in a week? In Pakistan in this weather? Okay. Now someone like me, Haan. very often someone like you, maybe once or twice a week.

ट वी नीड टू काउंटर आर इम पर एक टॉम फोर्ड की न्यूड में इस्तेमाल किया करती थी वो खत्म हो गई है वो बिल्कुल तो एंड पे है आई वोट न्यू टू बायर अगेन बिकॉज

देती है आपके पास तो कोई उसका वो ही नहीं आता प्रॉफिट आई सेड डजंट मैटर आई हैव सो मच फन मेकिंग इट बट अच्छा अब मैं सच बोलूंगी मैंने आज तक खरीदा नहीं <laughs> मुझे मिल जाता है सारा लेकिन इज एक्सपेंसिव फॉर द मार्केट व्हाट इज द फीडबैक सी आई थिंक अगर आप पांच प्रोडक्ट्स देख रही हैं कंसीलर फाउंडेशन ब्लश ऑन लिपस्टिक ब्लरिंग पेन पाउडर पफ नहीं एक एक इसके अंदर पांच प्रोडक्ट्स को वो रिप्लेस कर रहा है आपको और कुछ चाहिए ही नहीं ठीक है एंड वी हैड टू हैव दिस यू नो वी सेल दिस फॉर ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट मोर इंटरनेशनली बट हेयर आई कांट बिकॉज ऑलरेडी यू नो रूपी वैल्यू की मसला है सो वी हैव क्रिएटेड अ नीश which is a lot cheaper than your international makeup agar wo genuine ho mm. and a little more expensive than the locals that are getting uh, made over here because this is not made here it's made with the best ingredients mm.

Some people complain, but a lot understand that you know right. good things, good Haan. ingredients Haan. come at a certain price. Haan. But I haven't needed a You know, I I went about a couple of years ago and I bought an Armani foundation. मैंने लगाती नहीं हूँ foundation. वो पड़ी रही. वो एक साल में एक लक्ष्यालय awards होता है. उसपे भी I go and get my makeup. वो इस्तेमाल ही नहीं हुई. मैंने अब कहा मैकेप सब फेंक दो. अब कुछ नहीं चाहिए. I actually don't need any makeup now.

वट यू से नबीला मेकअप करने का जो अंदाज है वो ऑब्वियसली वक्त के साथ चेंज होता है हर डेकेट पर चेंज होता है बड़ा फेमसली आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हर दस साल बाद यू री डिफाइन योर लोक कैन यू चेंज सो फॉर वन माई एज वट इज द परफेक्ट मेकअप रूटीन क्या होनी चाहिए देर इज नो सच थिंगलिटी बट अफ यू constants would be taking care of your skin oh. cleansing moisturizing toning uh, serums if you like night creams if you want personally i don't use them but a lot of women have a good um, uh, you know uh, routine for their cleansing and skin care which is great and then i would say uh, wear as less makeup as possible um, use less do more yeah. and then din ke time pe, toh, i would hate to see makeup so i think

अमेजिंग सो so, उसके साथ अब न्यूड hmm. लिप uh, है या मैट है या ग्लोसी है या ग्लिटरी है या पर्ली है ये ट्रेंड्स हैं तो ये आप यूज करते रहे फॉर इंस्टेंस हमने जो ग्लॉस निकाला है टू गो विध द लिप कलर वी जस्ट यूज इट इन द सेंटर सो इट जस्ट गिवस लाइक अ थ्री डायमेंशनल बिकॉज इट्स द सेम कलर एंड हाईली हाईली पिगमेंटेड सो यू कैन यूज इट ऑन इट्स ओन बट लिपस्टिक के अगर आप सेंटर में लगाएंगे तो इट जस्ट गिवज अ वेरी नाइस शीन इन द सेंटर so that would be my way of using the gloss trend hmm. या अगर आप highlighter की बात कर रहे हैं तो अभी वो लोग silver silver इधर 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 <laughs> looks horrible you know so it's it's a Instagram trend it's something that looks amazing on digital with filters in, Not real, in life, real life no. especially aging women jitne aapke imperfections hai wo highlighter se sab aap uske upar attention la rahe hain absolutely so I wouldn't use that I would just use it In areas where you you know you're not aging, yeah, yeah. like nose tip, you know. Yeah. So uh, and very very oh, subtly. only the nose tip. Only is, the, nose the nose tip. Nose tip is 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 not, is not aging. <laughs> so you would use trends carefully. Liners are, so you know, kabi wo smoky ho jate hain, kabi uh, brown ho gaya, kabi red ho gaya, kabi uh, cat eye ho gaya, kabi snatched eye ho gaya. Be aware of the trends, but yeah. just push it as much as you can without looking stupid. Another thing that has changed over the years is makeup for men, and all of this is quite androgynous, right? Because especially the palette and the concealer and the blurring pen. आपके ads में A lot of men have a lot of men, men have, in have, their like, have in their pockets. I've met like heroes in the uh, airports. जो कहते हैं यार to तो and then it goes straight in their pocket and they're using it and better than we yeah. are. Are they using it with pride now? Yeah, abhi bhi thodi are भी थोड़ी inhibitions तो हैं. even the president of America needs to wear makeup. टू कम टू इंटरव्यू क्योंकि हरेक को लगाना yeah, पड़ता yeah, है थोड़ा बहुत मेकअप नो मैटर हाउ यू नो कंजर्वेटिव यू आर Because वो पाउडर एंड एंड शाइन मैट के के hmm. लिए लिए कुछ लिए. So, more more तो आई थिंक मोर मोर एंड मैं कहती हूँ यार हम आपको देख रहे हैं हम जरूरी है की हम आप हल्के देखे हैं इतने गहरे में मतलब लगा लो यार बेहतर ही लगोगे इसमें ऐसी क्या मरदानगी क्यों आपकी चाहे वो हो रही है थ्रेटन हो रही है So absolutely, I'm not telling them to use it, but it's there. Whoever wants to yeah. use it can. I don't yeah. think it's a taboo. It shouldn't be. I yeah. think it shouldn't be to look better. Should not be a taboo absolutely. at all. Absolutely, or self improvement, kaizen. You know, like just be better in any way possible, yeah, yeah, yeah. and any way you like to improve. Have do you use all your lipsticks? Uh, no, honestly, <laughs> no. And I'll be very honest, and I say that I just use one lipstick, which is in the creme. Palette. Okay, and the nude from that is the only lipstick that I use. You and mix the the, the corrector and the. and the I'll show you. Ta, jo ye wala color hai na, Blush hai ye. Huh. So I use blush, or I mix it and apply And it's a really this is the color. Okay. So it's very fresh, and uh, it's a little. It's deep. a berry. It's like a very mild berry. Would you call it a berry? I think so. It's like a nude berry kind of a thing. So we are launching two more nudes, okay. and this is one of them. Because my I was any picture, everyone asked me, "What is the color of your And I say, "Creme palette." Yeah. Blush. Can I just put in a request for the nudes? Because that by the time I got to them, because I was slow, they were all sold out. They were sold out like in yeah, a week. Yeah. So I, I, but I did get a. I, I do have the gloss for the nude.

we didn't talk about the sun 100 oh my god it just glided on my skin it was so good i don't know how effective it is tell me of course it's effective and i think we are getting amazing it's flying off the shelves because sun 100 is again a solution yeah. because wo yeah. jo white cast mein wo grey grey pomfret ki shakal ki auratein ho <laughs> jaati I used to say कि ये क्या और आदमी भी बेचारे वो लगा के वो एस्पा पे जा रहे हैं सिल्वर लग रहे हैं सिल्वर लग रहे हैं सो दिस इज वॉटर बेस्ड It's just completely uh, transparent and it just yes. sticks on your skin and. Uh, a lot of people ask me that this a primer. Hai, while we don't call it primer, but a lot of my makeup artists mm -hmm. use it as primer and they say that it's grip that mm. makeup lasts for the whole day. Right. So, yes, but it is 100 uh, SPF and it's really good. Right. It's flying off the Can shelf. Can I put in a request for a product that you may want to work on in the future? Tell me. So, Sun 100 is great and the palette is great, but what I've always wanted is a kind of a moisturizer that goes on with the tint. Because I don't like my complexion. like pigmentation. It's not even, and I don't want to put foundation because I feel so. It's you more want a tinted moisturizer. Yes. And do you want it in your color, or you want to be a little warmer or darker? I want to be darker? a bit darker. Yeah.

A lot is happening. You're so busy all the time, and there's, there's the makeup range and the hair care range, and the salons that are increasing, and then there's your haircuts and the hair care and the transformations, all of that. But, Mubarak, you're also official hair and makeup partner for the IFAS yet again this fourth year, fourth time. How fabulous is that? And we've never really spoken about that experience. How has that been? It's been amazing. Uh, it couldn't have come at a worse time because I'm, as I told you, I'm in a yeah. bottleneck. I'm launching the hair care and opening a flagship store, and I'm literally I'm committed day and night. Ideas, time, energy, hmm. money, human resource, everything locked, you know. But this came up, and it actually happened very last minute this year. Hmm. They were just doing the South Awards, but then Bollywood also came along, and yeah. Mr. King Khan said yes last minute at a very short notice yeah. now then if the whole world had to come together but um, it's uh, really a good experience working with them they're very professional they love us they give us so much respect so mm. much uh, acceptance yeah uh, it's it's amazing working with them uh, it's very time consuming it's also you know you have to be politically correct you yes. uh, are representing not just a brand but a country Yes. Um, and you have to be very Correct, and you have to put your best foot forward. Well, I think you're a great brand ambassador, cultural ambassador for Pakistan as well. Because I mean, yeah, I mean, you make us proud, absolutely. Thank wherever you. you go, it's it's great representation, and it's perfe perfection. I know you don't want to use that word, but but it is right, and it also suits them, right? Because they, they are our complexion, yeah, so the zero uh, brand literally was has been with them since inception yeah, and yeah. grown with them. So the brown skin story, um, you know, they just love it. I remember seeing Farah Khan's like make hair and make up, and she looked so good. And then she also gave you a big testimonial, you know. And I was like, "Ye is Farah Khan. It was great. So this time we are going to dedicate the the red to Miss Rekha Ji. Oh, <laughs> she asked to dedicate this. Oh, Rika really? Red. Rika Red. Oh, wow. Are you going to be doing Rika's makeup as well? Well, we're going to certainly present her with Zero Makeup. Fantastic. And what an icon. What, what an, icon. an icon. She's performing this year with Shah Rukh Khan. Wow. What an icon. Oh, that will yeah. be something to look out for. Absolutely. I think she's amazing. Very graceful, yeah. very gracious, you know, very, very kind and very uh, proper. ये सवाल मुझसे लोगों ने पूछा मैं आपसे पूछूंगी ये आपका इम्तहान है इस सवाल में लो, लोगों ने मुझे पूछा कि आप कहती हैं कि जी एज के साथ स्टाइल चेंज होना चाहिए और एज के साथ वुमेन शुड लुक अ सर्टेन वे एंड दे ड्रेस द सेम वे एज डेट ट्वेंटी बट लुक एट रेखा वो पिछले बीस साल से एक जैसी साड़ियाँ बांध रही हैं इतना भारी जेवर इतना भारी मेकअप एक जैसे बाल उनको तो आप कुछ नहीं कहती मैंने तो जवाब दे दिया आपका जवाब क्या है इसके लिए पर्सनली I feel like doing the decade jump, as I've told you before, yeah. reinventing so that you're not compared to how you looked in the same look 10 yeah. years ago. Yeah. So, personally, I would just completely change some focus so that the focus is not on my aging, but it's on what she's doing next. Mm. Um, but she's an icon. She's, uh, she's a diva. She looks the way she does. She has yeah. this caricature which she continues with, yeah. and um, more power to her. Absolutely, and I think this is her signature. now. This is her signature. This has become her signature. So say if you're But that at level, the same time, Neetu Singh has completely reinvented yeah, herself. Yeah. Dina Tawan has completely, completely gone grey. Absolutely. So that's also. Uh, उनकी ना हमारे नज़र में इज़्ज़त कम हो रही है ना प्यार कम हो रहा है ना भाव फैक्टर कम हो रहा है ना ही उनके जो अचीवमेंट्स हैं वो कम होंगी ऑफ द वे दे टुडे तो हर एज की स्टेज की जमाने की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है और उसके साथ साथ चलें तो और भी अच्छा है एब्सोल्युटली बट मेरा बहुत जरूरी है कि अपने सिग्नेचर को और अपने स्टाइल को पहचानना

वन ऑफ़ माई कोलीग सेट कि आपने आइंदा इतना काम लिया तो मैं आपके मुँह पर तकिया डाल के बैठ जाऊँगा डोंट सेल दीज थिंग्स एंड आई वॉज लिटरीली थिंकिंगे को बहुत ज़्यादा uh, काम ले लिया है द पेस दैट वी आर वर्किंग ऑनो आई एम वेरी नर्वस बिकॉज आई हैव टू डिलीवर ऑल ऑफ दिस ग्रेसफुली यू नो कुछ कुछ है बीमारी इधर

But I think I feel sometimes that I need to just calm down, you know, and say that yeah. it's okay. It's yeah. okay. Hua -i baat nahin. First nahin -i baat Just enjoy the moment. So I I have to make an effort to enjoy. आपका जो सवाल are you um, ah, satisfied content. or yeah. uh, content? Not as much as I should be because yeah. honestly, if I look uh, realistically, there have been a lot of achievements, but um,

मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ठीक है इतना काम कर रहे हैं इट्स ओके यू नो स्टॉप द फ्लावर्स वेक अप स्मेल द कॉफी सिट बैक सनराइज और सनसेट एंड इट्स फाइन बट देन आई थिंक नहीं नहीं अभी कैपेसिटी है करने में तो करो कर ओ कर तो जाओ और करो और करो बट आई थिंक डिफरेंस इज एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ थैंक्स टू माई चिल्ड्रेन एंड माई ग्रैंड चिल्ड्रन के उन्होंने मुझे बोल बोल के ना कि जस्ट काम डाउन लेट्स अब नहीं करना डोंट आंसर द कॉल वीक एंड पे नहीं काम करना तो सात दिन काम करती थी या रात को फोन नहीं सुने लाइक जस्ट रिलैक्स एंड देन माई योगा टाइम विच इज लाइक फोर एम टू एट ए एम इज माई प्रेशर्स टाइम जिस मेंबिट्स

है, yeah. जो, you know, winning, है। उसमें ना कोई रिलीजन है ना उसमें कोई सेक्ट है ना उसमें कोई कंट्री है उसमें वो वैल्यूज हैं, जो सही वैल्यूज है mm. आप और मैं नहीं जीतेंगे तो हम दोनों नहीं जीत सकते भिल्कुल. या इस तरह की बातें हैं सो so, वो, वो दो सेवन हैबिट्स एंड फिजिकल हैबिट्स अगर आप कहेंगे तो यस आई आई मेडिटेट एंड चान योगा की साइकिल आई फॉलो सद गुरु आई स्लीप अर्ली आई वेकअप अर्ली आई डोंट हैव एनी है माई बिगेस्ट वाइस इज माई चाय इसके अलावा कुछ भी नहीं आई डोंट आई एम नाट अटैच यू नो And I'm sure that having children and grandchildren around you also make a difference. Certainly, certainly. Yeah. You know, I mean uh, wo Eva Kabi be medanyame call bhi kar lei, video call to, you know, I just chill, I become yeah. jello. <laughs> <laughs> I know, I know. I saw that really nice video of yours with Eva, I think in some park, I don't know where, and you were doing somersaults with her. And I was like, Yeah, this is a life. If you can do somersaults at any age and you're that fit and that healthy and that also, mentally, you're, you're composed and you know, it's great. I try to balance that. Yeah, absolutely, that balance. Do you find it difficult finding people in sync with your philosophies, especially in Pakistan? Yes. Yes. You know, they say it's lonely on top. Yeah. Okay, because you uh, like minded people, and I've also evolved i am not saying north evolved can be in any direction uh, to a very different person so much so that i feel like even within my family my uh, concepts and my values and my thinking is very alienating yeah so um, very few people get me but it comes from a good place does it get lonely

going back to my hair because I'm going for my roots and color tomorrow and also getting some brunette lock in I also know that you're you've launched a shampoo yes so i have launched first uh, range to launch is the repair range we have the sulfate free shampoo okay and then we have the repair shampoo and then we have the repair conditioner okay now what is this shampoo going to do to my hair that my current shampoo is not doing I don't know what your current shampoo is doing, but if you use the repair shampoo and mm. conditioner, mm. Uh, what I feel is that it it's not uh, making my hair heavy. Okay. At the same time, it's making it very touchable, and you know you can run your fingers through it, and it's it's light, but it really takes care of all the frizziness. But glossy and glossy. Like, okay. So. Um,

I think the longest I've been without a proper wash and blow dry is Maldives four or five days, and it was in and out of water with that weather, and my hair was like balloon. Because of the humidity. Because of the water and it not being blow dried or conditioned, and it was salt water, and you know, it was like I said, hai, ab to jo hai, wo hai. Ja heavy treatment. <laughs> so what I would do in that case is I would just leave some conditioner in my hair. Okay.

अगेन लाइक आई सेड इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइडिंग के हमने शेव जेल जो निकाली है इट्स क्लियर राइट सो यू नो अक्सर लोगों की दाढ़ी है आजकल जब आपने जब आप लगा रहे हैं दाढ़ी पे यू कैन एक्चुअली सी के पीछे शेप क्या है बिकॉज इट्स क्लियर सो यू कैन फॉलो इट यूजली इट फॉर्म्स अप so you can't see the peeche so every day you are reinventing the line okay. so this way you can see and follow and maintain and it's very moisturizing likewise we have um, launched a two in one beard and hair conditioner so that okay. is just the same thing you can and use all over uh, your body and that's already available to buy uh, well launching this weekend Okay. so you know hair care is for men and women solutions right

अच्छा लेकिन आप इसमें गलती इतनी नहीं कर सकते क्योंकि आप अपना शेड अपने से एक डार्कर शेड या अपने से एक लाइटर शेड भी यूज कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस अब मेरा मुझे मेकअप नहीं मिल रहा था मैंने आपका मेकअप लगाया विच इज आइवरी एंड आई एम अ क्रैम सो आइवरी इज अ थ्री आई एम डार्कर देन यूज नहीं बट एक्चुअली आर पर्ल एंड यूजरी विच ओके तो

No, and I also know that we wouldn't have a conversation. I mean, it would, it would not come. The conversation would not come. If, if, it's, it, not if it's not genuine, genuine. Absolutely. So no, I, I love it, and I love the blurring pen and.

अभी शो जो हुआ था उस उसमें सारी मॉडल्स को लगा हुआ था आई कुड सी लुकिंग रियली नाइस द न्यूड्स आर ब्यूटिफुल टू मोर न्यूड्स टू बी लॉन्च ऑरेंज इज द सनसेट ऑरेंज कुछ लोग कहते हैं ये कलर्स कौन लगाता है भाई ब्राइट लगाते हैं दूसिया पिंक uh... जो हॉट पिंक है हमारा ब्यूटिफुल कलर सो अगर जो लगाता है वो फिर वो लगाए यू नो क्योंकि वो मिक्स करके ऑरेंज में खट्टा ऑरेंज लुक्स रियली सस्ता और ऑरेंज में ब्लू ज्यादा है ये ज्यादा है दीज आर जस्ट सोफेस्टिकेटेड ब्राइट कलर्स which were launched in the summer and we really had a good time with them. So if you were to recommend one bright color for my face and if I I would do red. If I decide to be, be adventurous, red. <laughs> I think you would be brave because you have such beautiful creamy skin, red would look really nice on you. I am now going to try the red and see what <laughs> I look like after wearing red.

जो कि एक पावर हाउस की तरह चली जा रही हैं चली जा रही हैं जैसे मैंने कहा दो अल्फाज इनकी वैकेबलरी में नहीं है थकना और रुकना <laughs> तो अल्लाह करे आप ऐसे ही चलती रहें और ना थकें और ना रुकें दुआ करें जी एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच थैंक थैंक यू